हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी और उसके बाद उसे क्लैरिफाई करेंगे टैरो से और फिर हम देखेंगे अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है विद एंजल गाइडेंस। तो शुरू करते हैं। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के सबकॉन्शियस माइंड में जिस भी पर्सन को लेकर एनर्जी है, उस व्यक्ति की एनर्जी किस एनर्जी में है कलेक्टिवली आपके पर्सन। जय शिव शक्ति। पहला कार्ड हैंग्ड मैन, देन वी हैव जस्टिस। आज पापा आएंगे, दर्शन देंगे। क्यों? जय प्रभु, हर हर महादेव। एक एक करके लेंगे कार्ड्स। दो कार्ड और, क्या बात है। वन मोर कार्ड। टावर बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। जब भी डेथ आता है तभी भी द फूल आता है। टावर भी एंडिंग है और यहाँ पर टावर के बाद द फूल की एनर्जी है। सो गाइज, साइन बता देती हूँ। वी हैव अ लिब्रा, सेजिटेरियस, जेमिनाई, पाइसिस, कैप्रिकॉन, वी हैव कैंसेरियन एनर्जी ऑल्सो। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। और एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी आज के दिन बहुत ज़्यादा हार्श है। हार्श एनर्जी क्यों बोला मैंने? बिकॉज़ यहाँ पे किसी सिचुएशन में अटके रहने से इनकी जो एनर्जी है वो बहुत रूड है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न टाइप की एनर्जी है और डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। बिकॉज़ भगवान भोलेनाथ यहाँ पर डिस्ट्रक्शन के देवता है। एनर्जी बैलेंस करने के लिए कुछ डिस्ट्रक्शन यहाँ नज़र आ रहा है। यूनियन को लेकर भी यहाँ कुछ डिस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो वाइब्स हैं उसके अकॉर्डिंग न्याय होगा, लेकिन डिस्ट्रक्शन के बाद कुछ डिस्ट्रक्शन यहाँ पर मौजूद है। लेट्स क्लेरिफाई कैसा डिस्ट्रक्शन, कहाँ पे डिस्ट्रक्शन। प्लीज़ क्लेरिफाई करें एंजल्स। हैंग्ड मैन क्यों आए हैं? हैंगडमैन के बाद जस्टिस आया है। हैंगडमैन को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है विद द डेविल एनर्जी। अच्छा, तुम रह गए थे, उस डेक से नहीं आ पाए तो इस डेक से आ गए। देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन किसी टॉक्सिक सिचुएशन में अटकी हुई हैं या अटके हुए हैं और इस टॉक्सिक सिचुएशन के साथ इनका कार्मिक बॉन्ड है। पिछले जन्म का कोई ना कोई पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड है और इसके कारण यहाँ डबल नाइन है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स विद हर्मिट, हर्मिट का नंबर है 9, 99। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एंडिंग ऑफ अ साइकिल। 99 मैंने हमेशा कहा है एंडिंग को दर्शाता है। काफ़ी लोगों के पर्सन अगर मैरिड हैं तो यहाँ उनकी मैरिड लाइफ में किसी तरह का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, डिवोर्स हो सकते हैं। डिवोर्सेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन की लाइफ में अगर उनकी फैमिली ही उनकी कार्मिक है तो यहाँ फैमिली से भी किसी तरह का ब्रेकअप या सिचुएशन ख़राब होने की वाइब्स हैं। जहाँ भी इनको डर था, जिससे भी डर था, यहाँ उस डर से बाहर निकलने की वाइब्स है। ये अब अकेले नहीं रहना चाहते या नहीं रहना चाहती, तो ये जिस सिचुएशन में अटके हैं वहाँ पर न्याय होने वाला है। जस्टिस की वाइब्स है। कैसा जस्टिस, कौन आ रहा है? हैरोफेंट, सफरिंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन बहुत पछतावे वाली एनर्जी में है, सफ़र कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट। ये जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं वो सिचुएशन एंड होने वाली है। झगड़े की एनर्जी है, लड़ाइयाँ, झगड़े,
ये ट्रैप्ड सिचुएशन ख़त्म होने वाली है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस, लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली, वॉट एवर सिचुएशंस, जो काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो काफ़ी गुस्से वाली है। इस वक्त पे अगर आप भी इनसे बात करेंगे तो ये आपसे तू तड़ाक करके बात कर लेंगे, क्योंकि मूड है इनका बड़ा ख़राब। और ऐसी सिचुएशन में आपको इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना है, थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि जब तक ये सामने से आपको मैसेज नहीं करते, आपसे जितना बात करें उतना ही बात कीजिए, कोशिश कीजिए कि अभी फ़िलहाल इनसे क्वेश्चंस ना करें। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो वाद विवाद से बचिएगा, आर्ग्यूमेंट से बचिएगा, क्वेश्चन मत पूछिएगा, कहाँ हो, क्यों हो, किससे बात कर रहे हो, ऑनलाइन हो, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, कुछ नहीं। जस्ट इनको इनका स्पेस दे दीजिए, वरना फिर आपके साथ चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ टावर मोमेंट की एनर्जी है। लव लाइफ में, लव लाइफ में किसी तरह का टावर मोमेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ भी आपके लिए सोच रहे हैं वो चीज़ें फिर धरी की धरी रह जाएंगी। जय शिव शक्ति। आपकी विशेस पूरी होंगी, इस फेज़ को निकल जाने दीजिए। अभी यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपके साथ दोस्ती रखेंगे, बातचीत करेंगे, सब करेंगे, लेकिन ये आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। और आपको ऐसा लगेगा कि कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या कोई और है इनकी लाइफ में, क्या मुझे धोखा देने वाले हैं। और ये सोच सोच के आप क्या करोगे, झगड़े करोगे, और वहाँ पर टावर मोमेंट आ जाएगा, क्योंकि ये आपका टेस्ट हो रहा है। टेस्ट का पेपर मैंने लीक कर दिया है, बट यहाँ पर जो एनर्जी है वो यही है। आपकी विशेस पूरा होने के पहले, आपकी लाइफ में खुशियाँ आने के पहले, आपकी लाइफ में बैलेंस आने के पहले, ये आपका टेस्ट है। इस टेस्ट को आपको पास करना है। ये नहीं सोचना कि झगड़ा कर लें, बहस कर लें और चीज़ों को ख़राब कर दें। द लवर्स, जय राधे कृष्ण। द लवर्स को द लवर्स ने क्लैरिफाई कर दिया है विद हाई प्रीस्टेस। आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, बट इस वक्त जताना नहीं चाहते। राज रखने की एनर्जी है, मिस्टीरियस बिहेव कर सकते हैं, बहुत छुपा छुपा सा बिहेव कर सकते हैं। आपसे बेइंतहा मोहब्बत होने के बाद भी अब आपसे 100% प्यार है, लेकिन ये आपको 5% ही शो करेंगे, और आपको इससे गुस्सा आ सकता है, आपको इससे फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि ये थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं, थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा हैप्पी हैं, कहीं ये थर्ड पार्टी को कमिटमेंट तो नहीं दे देंगे, ये सब सोच के कहीं आपके साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहे, ये सब सोच के आपका झगड़ा हो सकता है, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। टावर को पहले ही डेथ के कार्ड आ गया, क्यों आया है टावर? मूविंग ऑन। आपके पर्सन किसी एक सिचुएशन को परमानेंटली क्लोज कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, मतलब कोई वापस आने की वाइब्स ही नहीं है। ख़त्म मतलब ख़त्म, ये वाली वाइब्स है। आपके पर्सन की इरिटेटिंग एनर्जी है, ठीक है, कहीं अटके अटके लोगों का दिमाग फिर जाता है, तो यहाँ पर इनका दिमाग इस वक्त ख़राब है। ये आपके साथ अच्छे से रहना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, जस्टिस की वाइब से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, द फूल। लेकिन ये कुछ हार्श डिसीजन लेने वाले हैं, और उसको लेने के पहले ही अगर आपने इनसे बहुत बैड बिहेवियर कर दिया तो चीज़ें आपके अगेंस्ट हो जाएंगी, तो इसलिए ये वार्निंग है कि थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। जय शिव शक्ति, जय मेरे प्रभु, जय राधे कृष्ण। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं, किस डेक से देखें हम फीलिंग्स। ओके, आ जाओ। अरे रुक जाओ, इतनी ओ क्या बात है। कभी खत्म ना होने वाला प्यार अपने सोलमेट के साथ, तो एनर्जी जो है ओवर एक्साइटेड है। आपके पर्सन आपके साथ कभी भी इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते, लेकिन ये आपको बांध के भी नहीं रखना चाहते, ये हमेशा आपके साथ ये चाहते हैं कि आप रहें, अपनी मर्जी से रहें। अगर आपको इनके साथ कष्ट है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इनके कमिटमेंट का वेट करते करते थक चुके हैं, हार चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, तो आपको ये रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है आपको जो करना है करो,
मेरे दिल में आपके लिए प्यार है, मेरे दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, मेरे दिल में सब कुछ है, बट अभी मैं किसी मजबूरी में हूँ, अभी मैं कमिटमेंट नहीं दे सकती या नहीं दे सकता। अगर आपको फिर कष्ट है तो आप अपने रास्ते आगे बढ़ सकते हैं, मैं रोकूंगा नहीं या रोकूंगी नहीं, ये वाइब्स हैं। आपके पर्सन का प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा, ये भी आपको कहना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन है, कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन ये किसी को रोकना भी नहीं चाह रहे हैं। ये नहीं चाहते कि कोडिपेंडेंसी रहे, ये नहीं चाहते कि कल को आप इनको ब्लेम करो कि तुम्हारी वजह से मैंने 4 साल बर्बाद कर दिए, या तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुम्हारी वजह से वैसा हुआ। ये नहीं चाहते कि आप कोडिपेंडेंट रहो, समझ रहे हो, ये नहीं चाहते कि आप एडिक्टेड रहो इनसे। तो ये आपको फ्री करने की वाइब्स में है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि फ्री करने की वाइब्स मतलब कि ये मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं, नहीं, छुटकारा नहीं पाना चाहते, लेकिन ये चाहते हैं कि आप खुशी खुशी रहो, आप इनके साथ हो तो आप इन पर ट्रस्ट रखो, बट अगर आपका ट्रस्ट ट्रस्ट डगमगा रहा है तो आप फ्री हो, आप जो चाहे कर सकते हो, ये इनकी एनर्जी है। और ये टेम्प्रोरी एनर्जी है, कभी कभी लोगों का दिमाग सनक जाता है, तो जब दिमाग सनक जाता है तो लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं। अपने आप से पहले प्यार करो, इनकी करंट फीलिंग्स में आए, अपने आप से पहले प्यार करो फिर मुझसे करना, ठीक है। ये अपनी तरफ से जितना बन पड़ रहा है करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी इनका जवाब है आपके लिए। आपने जो भी वेट किया है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, ये भी इनका जवाब है। मतलब इनकी फीलिंग्स में है, ये जानते हैं कि आपने इनके लिए वेट किया, ये जानते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, बट जब मूड ख़राब है तो ये कुछ भी बोल सकते हैं। कई लोगों के पर्सन तो एक्सक्यूज़ दे सकते हैं, रिलीजियस फैक्टर्स है, रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है, लोकेशन अलग है, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जो कारण बन रही है आप दोनों के सेपरेशन का। ये चाहते, कुछ लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग्स में है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि आप इन पर कंट्रोल जमाने की कोशिश करें, आप इनको डोमिनेट करने की कोशिश करें। तो ये भी इनकी फीलिंग्स में है, मतलब थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी फीलिंग, मुझे पता नहीं क्यों वाइब्स ही चिड़चिड़ी सी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन मोहब्बत में हैं, प्यार में हैं, आना भी चाह रहे हैं, बट ये नहीं चाहते कि आप इनको डोमिनेट करो, आप इनको प्रेशर दो, या किसी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे, फ्री एनर्जी में रहना चाह रहे हैं। अगर इनके विल के अगेंस्ट कोई काम कहा गया तो ये वो काम ही छोड़ देंगे, वो उस व्यक्ति को भी छोड़ देंगे। तो कभी कभी इंसान का मूड जो है वो बहुत ख़राब हो जाता है, तो आपके पर्सन की एनर्जी आज सुबह से ही कुछ इस तरह की वाइब्स मुझे पिक हो रही हैं लगातार। तो इनको लेट गो करो, अगर ये कुछ बोल भी दे रहे हैं, अगर आप कांटेक्ट में हो, थोड़ी बहुत बहस वहस भी होती है, तो इनको स्पेस दो कि ठीक है, आपको जो ठीक लगे करो, गुस्सा नहीं करना, ठीक है। इमीजिएट एक्शन, पेशेंस एंड प्लानिंग, प्लानिंग फॉर व्हाट, कुछ पावरफुल डिसीजंस लेने की एनर्जी है। 6 नंबर भी देंगे क्या? 9 दे दिया, 6 चाहिए था, 7 दे दे, 6 नहीं देंगे अब, मत दीजिए। वन मोर कार्ड, यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे व्यूवर्स के लिए आने वाले 25 घंटे ये एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की। 25 आवर्स मिनिमम, मैक्सिमम 70 आवर्स तक खींचतान के ये एनर्जी जा सकती है। यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन जगलिंग सिचुएशन में हैं, रहेंगे आने वाले समय में, और जगलिंग सिचुएशन में रहने के कारण और हार्ट चक्रा की एनर्जी है। हार्ट चक्रा अगर बैलेंस होगा तो चीज़ें बहुत फेवरेबल जाएंगी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा और एक्सप्रेसिव होंगे। बट अगर हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है आपका या आपके पर्सन का, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो होगा, एक्शन नहीं ले सकती या नहीं ले सकता, भागने की कोशिश करेंगे, बैकआउट करने की कोशिश करेंगे, अकेले रहने की कोशिश करेंगे, इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। तो ये एनर्जी है। तो अगर आपके पर्सन की एनर्जी में हार्ट चक्रा हील्ड है तो आपका एनर्जी डिफरेंट होगा, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है तो आपके पर्सन की एनर्जी डिफरेंट होगी। तो ये तो आपको जज करना होगा कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। बड़ा हरा हरा सा लग रहा है ना, हरा हरा और हरा,
वाइब्स ही ग्रीन ग्रीन है। इसके अलावा वी हैव लॉट ऑफ ग्रीन ग्रीन कार्ड्स, तो यहाँ पर जो एनर्जी है, लव बिगिंस विद चूज वाइजली, लव बिगिंस विद चूज वाइजली। आपके पर्सन कन्फ्यूज हैं और आने वाले 25 घंटे तक कन्फ्यूज रहेंगे किसी न किसी बात को लेकर, उसके बाद एक नई शुरुआत होगी। लेकिन इस कन्फ्यूजन के टाइम पीरियड में आपको अपने पर्सन को समझना है, ना कि उनसे आर्ग्यूमेंट करनी है। पावर में आके क्या डिसीजन लेने वाले हैं? एक्शन, अथॉरिटेटिव डिसीजंस, एक्शन। सन की एनर्जी है, कैसा एक्शन? कई लोगों को मैसेजेस आएंगे जिसका आप वेट कर रहे हैं, और विजन क्लियर हो रहा है थर्ड पार्टी को लेकर। यहाँ पर मूव ऑन करने की एनर्जी है, थर्ड पार्टी से बाहर सक्सेसफुली निकलने की एनर्जी है, पॉजिटिव मूवमेंट आपको नज़र आ सकता है। सॉलिट्यूड की एनर्जी क्यों आई है नेक्स्ट एक्शन में? किस बात के लिए सॉलिट्यूड आया है? होप रखिए, थोड़ा सा समय दीजिए अपने पर्सन को, थोड़े टाइम अकेले रहने दीजिए इनको, उसके बाद ये पॉजिटिव एक्शंस आपके लिए लेंगे। मदर गाया की वाइब्स है यहाँ पर। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी फ्लक्चुएट करेगी, मूड स्विंग, ये राइट वर्ड है, मूड स्विंग हो सकता है। तो मूड स्विंग के कारण आप दोनों कन्फ्यूजन में झगड़े कर सकते हैं, कन्फ्यूजन में आर्ग्यूमेंट हो सकती है, तो इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा बचना है। और कुछ लोगों के पर्सन इन इसी टाइम पीरियड में आपको एक्सप्रेस भी करेंगे जिनका ब्लॉकेजेस हील हो चुका है और काफ़ी डोमिनेटिंग बिहेव कर सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेव कर सकते हैं, बिल्कुल रूड कम्युनिकेशन हो सकती है। तो अगर आपकी बाय चांस रूड कम्युनिकेशन होती है तो आपको नाराज़ नहीं होना है, जस्ट फेथ रखिए अपने पर्सन पर, खुद पर फेथ रखिए। पर्सन पर अगर नहीं भी है तो खुद पर रखिए। देखते हैं एंजल गाइडेंस। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं? इंस्पायर्ड एक्शन। देखिए, इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गाइडेड मैसेज है कि आपके पर्सन या तो खुद की इंस्पिरेशन को सुनकर एक्शन लेने वाली हैं या लेने वाले हैं, या फिर सडनली ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन को कोई दूसरा भड़काने की कोशिश करे और उनके भड़कावे में आकर ये कोई डिसीजन ले लें। अ स्टारी नाइट। यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके लिए आज की रात, ये जो 24-25 घंटे की एनर्जी है, आप होप बहुत ज़्यादा रखेंगे। आप अपने पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर होपफुल रहेंगे, लेकिन आप जितनी ज़्यादा होप रखेंगे ना, उतना ही ज़्यादा ट्रिगर आपको फील होगा, उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपको घेरने की कोशिश करेगी। तो आपको बिलीव रखना है, घबराना नहीं है, ब्लेम गेम से बचना है, किसी भी तरह का ब्लेम, एक दूसरे पर झगड़े, लड़ाइयाँ, ओवर रिएक्ट करने से बचना है। कुछ एनर्जीज हैं जो आपको गाइड कर रही हैं, और आपका ये जो डार्कर पीरियड दिख रहा है मुझे, इस डार्कर पीरियड से आपकी गाइडेंस, जो भी गाइडेंस आप फॉलो कर रहे हैं, उस गाइडेंस से आप इस पीरियड को पार कर जाएंगे, ठीक है? कोई ड्रीम्स नज़र आए तो उस पर भी फोकस रखिएगा, हो सके तो इस पीरियड को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू निकालने की कोशिश कीजिए। कुछ हैवी कर्मास रिलीज होने वाले हैं, हैवी कर्मास, बहुत टाइम से जो कर्मास पेंडिंग हैं वो रिलीज होने वाले हैं, और आपको ऐसी एनर्जी से थोड़ा सा बचना है, थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, होप आपको क्लैरिटी मिली हो। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट करे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।